अच्छे सोशल मीडिया पे, बट ये कि वायरल हो गया वीडियो, तो एक्चुअल में वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लड़की के ऊपर प्रेशर आता है, फैमिली के ऊपर प्रेशर आता है, और वो कैसे हालातों में मतलब ये होता है उनके ऊपर कैसी परिस्थिति आती है उसके ऊपर फिल्म है ये। और उसमें क्या है कि कोई आपके कलीग जो नज़दीक से रहते हैं वो बाय मिस्टेक अब अगर आपका मोबाइल यूज़ करते तो उनके पास आपका मोबाइल रहता है तो आप वो वीडियो वायरल करते, तो एक्चुअली नहीं करना चाहिए वीडियो वायरल। ये मूवी अच्छी है और लास्ट में एंड में दिखा है कि जो टीचर होती है जो उसका रिपीटेशन रहता है स्कूल का, तो वो बचाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालती है लड़की के ऊपर, तो उसको कोई साथ नहीं देता है ऐसे टाइम पे जब वो वीडियो वायरल होता है, तो वो सुसाइड कर लेती है। एक्टर लोगों का किरदार कैसा? एक्टर लोग का अच्छे है, जो अभी जो दो एक्टर है फीमेल एक्टर उनका भी अच्छा है, चिन्मय मांडलेकर है उसमें पुलिस वाला है वो, तो भी उनका भी एक्टर उनकी भी एक्टिंग अच्छी लगी है। बट मुझे फिल्म का जो एंड का है ना वो सस्पेंस बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में फिल्म थोड़ी बहुत अच्छी है, मतलब सॉन्ग है, सॉन्ग अच्छा है जो पुणे का दिखा है, एकदम मराठी एकदम स्टाइल में दिखा है, थोड़ा बहुत उसमें मराठी भी दिखा है, अच्छा है। और जो मराठी एक्टर है सुबोध भावे, उन्होंने अच्छा एक्टिंग किया है, उन्होंने जो स्टेज होता है नाटक थिएटर होता है थिएटर का उसमें भी अच्छा काम किया है, और जो पिता का रोल किया उन्होंने वो भी अच्छा किया। अब उनको कितने स्टार देना चाहिए 5 में से? 4.5। काफ़ी अच्छी वीडियो है, हरासमेंट के ऊपर है, गर्ल्स की फैमिली कैसे उसको हरास करती है, राधिका मदाना है इसमें, काफ़ी अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। फिल्म में सॉन्ग नहीं होने के बावजूद फिल्म को डायरेक्ट इतना करना काफ़ी मुश्किल वाला काम था, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। उसमें जो इंस्पेक्टर रहती है काफ़ी अच्छा रोल उन्होंने किया है, पूरा दिखाया है कि कैसे कैसे वो क्लू ढूंढती है, कैसे कैसे वो मर्डर मिस्ट्री पूरा सॉल्व करती है, काफ़ी अच्छी थी स्टोरी। जो सॉन्ग है वो कैसा लगा? फिल्म में एक ही सॉन्ग है, वो ही पूरे फिल्म में बजती रहती है 2-2.5 घंटे तक, अच्छी है सॉन्ग, वही तो विदाउट एक सॉन्ग रख के पूरा मूवी को डायरेक्ट करना काफ़ी मुश्किल का काम रहता है। ज़्यादा किरदार किसका अच्छा लगा? राधिका का, क्योंकि वो एक हरासमेंट की लड़की का रोल करती है और वो काफ़ी इमोशनल वाला उनका रोल है इस मूवी में, जो कि काफ़ी उनके फैंस को पसंद आया है, वही है। आप 5 में से कितना स्टार देना? 3। ओके थैंक यू। काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत पसंद आई मुझे। सजनी शिंदे पिक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस है, मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी है। जिस तरीके से रदीगा मंडन और निम्रत कौर दोनों का काम अच्छा लगा, मतलब कि एक वायरल वीडियो के लेके कहानी है, जिस तरीके से वो वायरल होती है वीडियो, फिर मर्डर वगैरह हो जाता है और फिर सस्पेंस जो तरीके से उन्होंने क्रिएट किया, मतलब शक सभी पे जाकर ये मर्डर किया, तो कहीं ना कहीं ये मूवी को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, पब्लिक को बैठा के रखती है मूवी, मतलब आप उठने जाओगे नहीं कहीं, मतलब आप जो एक बार बढ़ गए डायरेक्ट इंटरवल में उठोगे और सेकंड हाफ में बैठोगे डायरेक्ट एंड में उठोगे, मतलब मूवी को काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्शन भी किया है, सुपर। सॉन्ग भी मेरे को अच्छी लगी, 2-3 सॉन्ग है, दोनों तीन सॉन्ग भी अच्छे लगे, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छी है, तो पब्लिक को ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये अब तक 2-3 मूवी अच्छी रिलीज हुई है तो पब्लिक को आनी चाहिए मूवी देखने। 5 में से 3.5 दूंगा इस मूवी को। वीडियो आपने पिक्चर देखी किसी? जी सर पिक्चर देखी, बहुत अच्छी पिक्चर है, पिक्चर का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, पिक्चर में एक से एक सस्पेंस है और आर्टिस्ट लोग का काम बहुत अच्छा है पिक्चर में, एक्टिंग देखेंगे बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। आपको साउंड वगैरह कैसे? साउंड और डांस म्यूजिक वगैरह बहुत अच्छा है पिक्चर का, आप जाके एक बार पिक्चर देखिए। 5 में से कितने स्टार देना? 5 में से मैं 5 देना चाहूँगा। थैंक यू।